हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में, और आज कर रही हूँ डिप क्लीनिंग। तो नीचे की जो है डिप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ, कभी ऊपर की करती हूँ तो कभी नीचे की करती हूँ। वैसे तो रोज़ की साफ़ सफाई है ही, रोज़ मतलब दोनों जगह की हो जाती है, लेकिन जब इस तरीके से डिप क्लीनिंग करनी होती है तो कम से कम 3-4 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो है एक एक करके मुझे करना होता है। तो ऊपर की तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही की थी, हफ्ता भर ही हुआ होगा। फिर मैंने कहा चलो आज नीचे की कर देती हूँ। नीचे की जल्दी नहीं हो पाती क्योंकि मम्मी यहाँ पर लेटी हुई रहती हैं, तो यहाँ ठीक से मैं कर नहीं पाती हूँ। बस डस्टिंग वगैरह कर कर ऐसे ही झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने मम्मी को यहाँ से जो है दूसरे कमरे में लिटाल दिया है, और लिटालना इसलिए पड़ा क्योंकि पंखा वगैरह भी बंद हो रखा है यहाँ का, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेट नहीं पाती, इसलिए दूसरे कमरे में पंखा चला कर वहाँ पर लिटाल दिया है। सारे जो है ये सूटकेस मैंने पूरा ऊपर से झाड़ लिया है सब कुछ, और बहुत गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल रोड पर मकान है, और बिल्कुल ये जो कमरा है ना, इसका जो दरवाज़ा है वो भी बिल्कुल बाहर की तरफ ही खुलता है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो जाती है। यहाँ पर सारी जो खिड़कियाँ वगैरह हैं वो सब कुछ अच्छे से झाड़ लूँगी, सारी साफ़ सफाई वगैरह कर कर, और फिर मैं यहाँ से जो है झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और पोछा लगा दूँगी, उसके बाद मम्मी को यहाँ पर लिटाल दूँगी। तो फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि काम जो है ना बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब अगर मैं इस तरीके कामों में लग जाती हूँ ना, खाने वगैरह को लेट हो जाता है। तो आज नाश्ता वगैरह करा कर इन सभी लोगों को मैं लग गई हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं जो है मैंने कहा काम में जा सारे ये ख़त्म कर कर नहा कर फिर उसके बाद ही जो है कुछ खाऊंगी। यहाँ पर फटाफट से जो है सारी जाले वगैरह जो है वो सब कुछ मैं झाड़ देती हूँ, और पंखा बहुत गंदा हो रहा था तो पंखा जो है मैंने अभी के डैडी से झड़वाया, क्योंकि मेरा वहाँ तक हाथ नहीं जा रहा था। बस यहाँ से अच्छे से सब साफ़ सफाई कर दी है और बेडशीट बिछा देती हूँ। तो बस फटाफट से सारा कमरा कर दिया है मैंने क्लीन, और अच्छे से जो है बेडशीट वगैरह भी बिछा दी है। और इसको करने में ना बहुत टाइम लग गया था, लेकिन वीडियो में देखने में लग रहा है कि फटाफट से हो गया है, लेकिन करीबन 2 से 3 घंटे मुझे इसी कमरे में लग गए थे, क्योंकि यही कमरा सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से झाड़ कर वापस उसी जगह पर लगा दी है, और झाड़ू लगा दी है। अब पोछा लगा लेती हूँ और फिर जो है मम्मी को इधर लिटाल दूँगी, और फिर जो है बरामदे की मैं कर दूंगी सफाई, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो वो भी कर देती हूँ मैं। जब लग जाती हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है ये भी साफ़ कर लूँ वो भी साफ़ कर लूँ, और वैसे ये होता है कि कल करूँगी कल करूँगी कल करूँगी, तो यही रहता है हर किसी का, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो बस अब इधर की मैं सफाई कर लूँगी, और बच्चे जो है ना अभी स्कूल हैं गए हुए हैं, इसलिए मैं उनके पीछे सारे काम कर लेती हूँ, और वो घर पर होते हैं तो मुझे कुछ नहीं करने देते हैं, तो बड़े लेकिन बस बहुत परेशान कर लेते हैं, मिष्टी ज़्यादातर करती है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें जो है अच्छे से झाड़ लेती हूँ, और कपड़े भी बहुत सारे गंदे हो गए थे तो वो भी मुझे धोकर डालने हैं, तो मैं इनका फटाफट जो है साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर कर मैं जो है कपड़े वगैरह भी धोकर डाल दूँगी।
तो सभी जगह की साफ़ सफाई मैंने कर दी है, और इधर में जो है अभी के डैडी से मैंने पंखा साफ़ करवाया, क्योंकि देखिए कितनी ऊंचाई है, एक तख्त है, उसके बाद ऊपर मेज़ रखी हुई है एक, उसके बाद ऊपर से कुर्सी रखी हुई है, तब ये जाकर चढ़े हैं। तो बस साफ़ सफाई कर रहे थे उसी टाइम पर जो है इनको बोले कि मैं थोड़ा सा पंखा भी संभाल देता हूँ। तो ये पंखा ना बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, बहुत ज़्यादा हवा नहीं देता है बिल्कुल भी। तो फिर जब ये चढ़े ही थे तो ये बोले लाओ मैं इसे संभाल भी देता हूँ। तो कुछ इसमें पता नहीं क्या लाकर इन्होंने डाला था, मुझे नहीं पता। तो उससे इसकी जो स्पीड है ना वो तेज़ हो गई थी, काफ़ी अच्छी हवा देने लगा ये। तो ऐसे काम जो है अभी के डैडी हमारे घर में संभालते हैं। मतलब एक बल्ब भी अगर ख़राब हो जाता है ना, या फिर घड़ी में सेल वगैरह भी बीक हो जाते हैं, वो भी ख़राब हो जाती है, तो पूरे घर का जो है यही देखते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ इन्हीं को मैनेज करना होता है, इन्हीं को देखना होता है। तो बस इस तरीके का काम यही संभालते हैं सारे। और यहाँ पर बस पंखा वगैरह इन्होंने कर दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ सारा सामान सेट कर झाड़ू लगा दी है, मतलब झाड़ू लगा दे रही हूँ, और उसके बाद जो है पोछा लगा लूँगी। फिर मैं जा रही हूँ कपड़े धोकर डाल देती हूँ, और उसके बाद ही मैं नहा कर आऊँगी, क्योंकि कपड़े धोने में जो है ना फिर भीग जाते हैं, फिर बुरा लगता है। तो पहले कपड़े धोऊंगी, उसके बाद ही नहा कर आऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो ऐसे ही रहता है, पूरा दिन जो है बिज़ी वाला चला जाता है। जिस दिन मैं जिस इस तरीके का काम लेकर बैठती हूँ ना, उस दिन मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं थोड़ी देर बैठकर अपनी वीडियो एडिट वगैरह कर लूँ, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लेट जा रही है, बहुत लेट हो जाता है। तो बस रात में ज़्यादातर मैं वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ, दिन में तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, रात में जो है वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, या फिर रात में मैं सारी वीडियो एडिट कर लेती हूँ और सुबह में जो है वॉइस ओवर कर देती हूँ, इस तरीके से मैनेज करना होता है। तो बस इसी तरीके से हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर को संभाल लेते हैं। और सच बताऊँ तो अभी के डैडी के बिना जो है ना बहुत सारे काम अधूरे अधूरे से रह जाते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, जेंट्स लोग ही जानते हैं वो सारी चीज़ें, तो बस वही संभालते हैं। जैसे कि पंखा कभी ख़राब है तो ख़राब ऐसे ही रहेगा, वो चाहे मतलब कुछ भी हो जाए वो अभी के डैडी ही देखेंगे, या फिर वो किसी को बुला कर लेकर आते हैं। तो या इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या बल्ब है, या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी के डैडी को ही देखनी होती हैं। तो बस इनके बिना भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर में नहीं होते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे बिना नहीं होते हैं। तो बस इसी तरीके से हम दोनों मिलजुल कर अपने घर को संभाल रहे हैं, संभाल लेते हैं सभी, मतलब घर की लेडीज़ और जेंट्स का यही हाल होता है। तो यहाँ पर जो है मैं सारा काम कर लिया है मैंने, किचन वगैरह अब क्लीन कर देती हूँ, किचन क्लीन नहीं की थी मैंने, नीचे की किचन जो है ना मतलब यूज़ नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत ये बर्तन थे वो साफ़ कर देती हूँ, और ये टोकरी जो है ना काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है टोकरी वगैरह धो दी है मैंने, सारे बर्तन कर दिए। और इधर ना अभी के डैडी कुछ कह रहे थे मुझसे बाहर खड़े होकर, तो मैं उन्हीं से बातें कर रही थी। और तो बस यहाँ पर जो है सारा साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर लिया है, कपड़े देखिए कितने सारे हो गए, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी आज चेंज कर दी है मैंने, और जो है मम्मी के कपड़े हैं ये सारे। तो बस यहाँ पर जो है मैं धो देती हूँ, बच्चों के कपड़े जो है सुबह में ही मैंने धो दिए थे, क्योंकि जब वो लोग नहा कर जाते हैं ना तो मैं हाथ के हाथ जो है उनके कपड़े धो देती हूँ। और इधर में मम्मी के कपड़े और ये बेडशीट वगैरह हैं ये सारे मैं धो दूँगी। तो बस फटाफट से कपड़े भी धो देते हैं, और उसके बाद जो है जा रही हूँ मैं ऊपर, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, और मैं नहाकर जो है खाना बनाऊँगी। आज पूजा वगैरह भी नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत लेट हो गया।